Hello friends, today I'm here to ask everybody that why limitations exist in life. Limitations ka hona isliye zaruri hai, kyunki agar limitations nahi hoti to hum ek dusre ke kaam ko appreciate nahi karte. Let's take an example. When you are not good at certain things, that is your limitations. Kyunki zaruri nahi hai na ki aap all-rounder rahe in all work. So today, we will look towards the limitations of advertising. The first limitation of advertising is wastage. Advertising is a waste because आप सोचिए ना कि एडवर्टाइजिंग का वेस्ट क्यों होता होगा. एडवर्टाइजिंग का वेस्ट तब होता है जब या तो आप एड नहीं देखते हैं या तो आप एड को इग्नोर करते हैं. और हम एड को क्यों इग्नोर करते हैं, क्योंकि जब कोई एड अपने काम की नहीं होती है तो हम उसे देखना पसंद नहीं करते हैं और अपने चैनल स्विच कर देते हैं. और एडवर्टाइजिंग में ये चीज़ कहना गलत है कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट लेने जाएंगे तो उस प्रोडक्ट को खरीदने से पहले हम एड देखेंगे. ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट लेने के लिए मार्केट जा रहे हैं तो उस प्रोडक्ट की एड पहले देखेंगे और फिर आप उस शॉपकीपर के पास जाएंगे और आप प्रोडक्ट लेंगे. द सेकेंड लिमिटेशन इज सोशल वैल्यूज रिड्यूस्ड. एडवर्टाइजिंग हमें न्यू प्रोडक्ट की जानकारी देता है, वो प्रोडक्ट्स की क्वालिटीज को इस तरीके से बताता है कि वो लोगों पर हावी हो जाती है. और जब लोगों के पास उनके रिसोर्सेस में कमी होती है फिर भी वो प्रोडक्ट को लेना पसंद करते हैं. और जब वो नहीं ले पाते हैं तो वो अपनी प्रेजेंट डे टू डे की सिचुएशन में डिससैटिस्फाइड महसूस करने लगते हैं. इसलिए यह कहा जाता है कि एडवर्टाइजिंग सामाजिक मूल्य को कमजोर करते हैं. इट मीन्स इट रिड्यूसेस सोशल वैल्यूज. द नेक्स्ट पॉइंट इज टेम्पटेशन फॉर इंफीरियर प्रोडक्ट. तो हर मैन्युफैक्चरर अपना प्रोडक्ट मार्केट में बेस्ट बताना चाहता है और ये हमेशा आर्ग्यू है कि एडवर्टीजमेंट में सुपीरियर प्रोडक्ट और इंफीरियर प्रोडक्ट दोनों की एडवर्टीजमेंट्स आती है तो कंज्यूमर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो डिसाइड करे कि कौन सा प्रोडक्ट सच में अच्छा है उनके लिए. द फोर्थ लिमिटेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग इज डिस्कनेक्शन ऑफ बिजनेस. स्मॉल बिजनेस वर्सेस लार्ज बिजनेस. स्मॉल बिजनेसेस में रिसोर्सेस कम होते हैं और लार्ज बिजनेस में उनके इन्वेस्टमेंट उनके रिसोर्सेस बहुत ज़्यादा होते हैं. तो स्मॉल बिजनेस अपनी एडवर्टीजमेंट के लिए ज़्यादा पैसे नहीं लगा सकते हैं, कंपैरेटिवली लार्ज बिजनेस अपनी एडवर्टीजमेंट्स के लिए बहुत पैसा लगा सकते हैं. तो स्मॉल बिजनेस फर्म्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो अपना बिजनेस आगे कैसे रन करे. द नेक्स्ट लिमिटेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग इज इन्फ्लुएंसेस परचेसिंग पावर. कंज्यूमर हु टेक्स एड कैंपेन सीरियसली देयर परचेसिंग पावर गेट्स एडवर्सली अफेक्टेड. एडवर्टाइजिंग क्रिएट्स न्यू नीड्स इन द कंज्यूमर्स माइंड. इट इज़ वेरी ट्रू ना कि जब आप एडवर्टीजमेंट को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं, या मानिए कि कोई इंसान एक एडवर्टीजमेंट्स को देख रहा है और वो बहुत सीरियस हो जाता है उन एडवर्टीजमेंट्स को देखते हुए, तो उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा असर होता है और वो उस प्रोडक्ट को लेने की बहुत चाह रखता है जब वो एडवर्टीजमेंट को देखने लगता है. होता है ना, बच्चों के साथ भी होता है जब वो किसी एडवर्टीजमेंट को देखते हैं, जैसे किंडर जॉय. किंडर जॉय पहले कोई बच्चा नहीं खाता था. द सिक्स्थ लिमिटेशन इज सिलेक्शन प्रॉब्लम. आप लोग ने भी ये प्रॉब्लम फेस की होगी जब आप मार्केट गए होंगे और आपको ये नहीं पता चल रहा होगा कि आप कौन सा प्रोडक्ट चूज करें, कौन सी ब्रांड का चूज करें. ये इसलिए होता है क्योंकि मार्केट में बहुत सारे सिमिलर प्रोडक्ट्स होते हैं और उन प्रोडक्ट्स के डिफरेंसेस इतने माइनर होते हैं कि लोग उन डिफरेंसेस को पहचान नहीं पाते हैं. इसलिए प्रोडक्ट लेने में कई बार हमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है. The seventh limitation is costly function. Advertising is a costly function and advertising's cost is indirectly hided in the product. मतलब it can be said that कि जो product advertised होता है जब वो market में sell होता है तो उसकी जो selling price होती है उसी के अंदर advertising की price छुपी होती है. The eighth limitation is unnoticed, means undekha. क्योंकि कहते हैं ना कि कितने ही बड़े स्केल पे अपन एडवर्टाइजिंग का कैंपेन कर ले पर कुछ लोग होते हैं सोसाइटी में जो हमेशा एडवर्टाइजिंग को इग्नोर करते हैं.
The ninth limitation is confuses the buyer. एडवर्टाइजिंग पर आरोप लगाया जाता है कि यह खरीदारों को समझाने की कोशिश करता है, क्योंकि एडवर्टाइजिंग के थ्रू जब लोग मोटिवेट होकर प्रोडक्ट खरीदते हैं और जब वह घर जाकर उस प्रोडक्ट को यूज करने लगते हैं, तब उन्हें धोखा महसूस होता है। द लास्ट लिमिटेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग इज वन साइडेड प्रेजेंटेशन। एडवर्टाइजिंग सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में अच्छे पॉइंट्स बताता है। इट ओनली शो इट्स पॉजिटिव साइड्स, वो कभी भी नेगेटिव साइड नहीं बताता है। एंड जब कंज्यूमर्स उस प्रोडक्ट को यूज करने लगते हैं, देन दे कम टू नो द नेगेटिव साइड्स ऑफ द प्रोडक्ट। द क्वेश्चन ऑफ द डे, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग रिसर्च। ऑप्शन ए, इम्प्रूव द एफिशियंसी ऑफ एन एड। ऑप्शन बी, डेवलप एडवर्टाइजिंग। ऑप्शन सी, evaluate impact of an ad. Option D, to avoid wastage of an ad. The correct answer is option B, develop advertising. So that's it guys, thank you for watching my video, and if you like my video then please do not forget to like and subscribe my channel, and for any query please mention in the comment box, and once again thank you so much.